Dear students, good morning and welcome back to our science class. So today we are going to discuss the Mendeleev periodic classification. आज हम पढ़ने वाले हैं Mendeleev का periodic classification. Because इससे पहले हम discuss कर चुके हैं आपका Newton's का law और हम पढ़ चुके हैं आपका Dobnin's का triad. दोनों के दोनों साइंटिस्ट ने अपने बहुत एफर्ट यूज किए क्लासिफिकेशन के फील्ड में, इसलिए हम उनको बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं. अब यहाँ पे आपका एक नया एक साइंटिस्ट और आया फॉरवर्ड की उसने एक थ्योरी, लेकिन उसको हम मानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन दी पेडिक क्लासिफिकेशन. यानी मेंडलीफ ने जो हमारा क्लासिफिकेशन किया उसको हम आज तक का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं पेडिक क्लासिफिकेशन के लिए. ठीक है, अब इसके कुछ हम की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि मेंडलीफ क्लासिफिकेशन क्या था. यहाँ पे अगर मैं आपको मेंडलीफ क्लासिफिकेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो हम बात करते हैं मेंडलीफ क्लासिफिकेशन की कि सबसे पहले उसने क्या देखा कि उसने सबसे पहला पॉइंट क्या था, उसने एटॉमिक मास को माना उनका बेस. सो एटॉमिक मास इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन. उसने क्या कहा कि एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे उनके एटॉमिक मास के बेस पे. ठीक है, क्योंकि वो ये मानता था कि एटॉमिक मास जो है वो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है उसके एटॉमिक मास पे. यानी किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक मास पे. ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट उसने बोला कि उसने बेसिकली क्या दिखाया. उसने कहा कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. उसने कहा कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. ठीक है, तो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द मोस्ट एलिमेंट, सो ही फॉर्मुलेट. सो हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उसने रिएक्शन करा के देखी, ही रिएक्टेड ऑल द नोन एलिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यानी कि सारे एलिमेंट्स को उसने रिएक्शन करा के देखी किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्म किए. क्या किया उसने, उसके हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्म किए. उसके बाद उसने एक नया काम और किया, उसने क्या किया कि उसने कुछ कार्ड लिए, ही टुक सम कार्ड्स, और उन कार्ड्स पर उसने क्या किया, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनके हाइड्राइड ऑक्साइड को लिख दिया वहां पे. ही टुक सम कार्ड्स एंड रोट their properties, और उसने उसकी वहां पर properties के basis पे, यानी कि उसके hydride oxide कैसे बनते हैं उसको वहां पर लिख दिया. ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है यहाँ पे. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि atomic mass के basis पे उसने classification किया, और दूसरा point उसने क्या बोला कि भाई hydrogen और oxygen जो है वो most reactive elements होंगे, तो हम उनके basis पे आराम से उनको classify कर सकते हैं. और उसने क्या किया, सम कार्ड, उसने कुछ कार्ड्स को ले लिया, उस कार्ड को उनके वहां पे उसके ऊपर रख दिया. तो इस तरीके से उसने एक प्रॉपर वे में एक टेबल बना के तैयार कर दी. क्या कर दी उसने, एक टेबल बना के तैयार कर दी. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी नोटबुक में दे रखी होगी वाली टेबल जो है, बट मैं भी यहां पर उसको लिख देता हूं. यहां पे वो टेबल क्या होगी आपकी, कुछ इस तरह की टेबल है. यानी कि उसने आठ जो है वर्टिकल कॉलम बनाए वहां पे, एट क्या थे वर्टिकल कॉलम, जिसको उसने क्या नाम दिया वहां पे, ग्रुप. क्या नाम दिया उसको, ग्रुप. तो कुल मिलाकर उसने इस तरीके से बनाए ए बी करके और कितने थे वहां पे, एट. कुल मिलाकर एट थे वहां पे, कितने थे वहां पे, एट. और उसने उसके क्या बनाए वहां पे, ऊपर अगर आप ध्यान से देखो अपनी बुक में तो वहां पर लिखा हुआ है उसने उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड, यानी उसके हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेसिस पर उनको वहां पे लिख दिया. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, जो उसकी थ्योरी की थी, कि उसने कुछ एलिमेंट्स उस समय हमें नोन नहीं थे. जस्ट इमेजिन कि उस समय कुछ एलिमेंट्स नोन नहीं हैं, उन अननोन एलिमेंट्स को भी उसने ये सोचा कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी बात थी. उससे पहले जो न्यूलैंड था उसने क्या बोला था कि 56 एलिमेंट हैं और आने वाले टाइम में कोई एलिमेंट मिलने वाला नहीं है. बट इसने क्या बोला कि अभी तक 63 एलिमेंट उसके पास में थे, बट उसने कहा कि फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट मिलने वाले हैं, और उसने उन एलिमेंट्स के लिए स्पेस भी छोड़ दिया. ये अगला टॉपिक होगा वैसे डिस्कस करने के लिए कि उसकी अचीवमेंट क्या है,
बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेडलीफ के लॉ की। फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेडलीफ के लॉ की, ठीक है। तो अगर हम मेडलीफ के लॉ की बात करें तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा यहाँ पे कि मेडलीफ ने जो क्लासिफिकेशन वर्क को किया वो किसके बेसिस पे किया, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे, किसके बेसिस पे किया, उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो उसने क्या बोला, अगर हम मेडलीफ के क्लासिफिकेशन के पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो उसने बोला था कि हम सारे सारे एलिमेंट्स को फिल करते हैं या क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। किसके बेसिस करते हैं, उनके एटॉमिक मास के पे, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि सिंपली अगर हम मोटे मोटे तौर पे हम बोले तो हम क्या बोलते हैं कि उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उनके एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास बढ़ रहा होगा तो प्रॉपर्टी भी उसी तरीके से वेरी करेंगी, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया कि उसने हॉरिजॉन्टल जो थे इनको उसने नाम क्या दिया यहाँ पे, ग्रुप, इसको उसने नाम दिया, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल है इनको नाम दिया उसने यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे ग्रुप, और ये वर्टिकल को उसने क्या नाम दिया यहाँ पे, पीरियड। क्या नाम दिया उसने यहाँ पे, ये आपके पीरियड हो गए और ये आपके ग्रुप हो गए। यानी कि वर्टिकल लाइन को उसने नाम दिया क्या, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल लाइन को उसने नाम क्या दिया वहां पे, पीरियड। तो इस तरीके से उसने मेंडलीफ ने यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन दिया आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये तो टॉपिक हो गया हमारा कि मेंडलीफ ने उस जो केओस था, जो बहुत एक प्रॉब्लम चल रही थी कि हाउ वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स, उसको बहुत हद तक दूर करने की कोशिश करी वहां पे, और उसने उसको दूर भी किया। लेकिन चलो पहले, उससे पहले हम बात करते हैं उसके अचीवमेंट की। किसकी बात करेंगे वहां पर, उसके अचीवमेंट की, कि उसने क्या अच्छी बातें बताई, ठीक है बच्चों। तो अभी हम बात करेंगे इसके अचीवमेंट की, ठीक है। ओके बच्चों, अगर हम बात करें मेंडलीफ के पेरियोडिक क्लासिफिकेशन के अचीवमेंट की, किसकी हम बात करेंगे यहां पे, अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट में हमारे पास बेसिकली दो मोटे मोटे पॉइंट आते हैं यहां पे। पहला पॉइंट क्या होता है कि उसने कुछ जो स्लाइटली हायर मासेस वाले हैं, जो आपका स्लाइटली हायर मासेस वाले हैं, उनको पीछे आना चाहिए था, लेकिन उसने उनको आगे रखा। सिर्फ क्यों रखा, ताकि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, वो एक ही उसमें आ सके, एक पैटर्न में आ सके, एक सीरीज में आ सके, नहीं तो ही क्लासिफाइड क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑन the basis of their atomic mass regardless. So he classified the element on the basis of their chemical properties. यानी उसने उनको चेक किया कि उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और उनके बेसिस पर उसने उनको रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसने उनके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको रख दिया रिगार्डलेस ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि उसने एटॉमिक मास को बाद में कंसीडर किया कि अगर एटॉमिक मास आगे पीछे भी हो रहा है तो उसने उसको ऑल्टर कर दिया। उसने उसको क्या कर दिया वहां पे, ऑल्टर कर दिया। जैसे कोबाल्ट है आपका और निकिल, ठीक है, तो कोबाल्ट का जो आपका मास है वो उससे ज्यादा आता है। जो कोबाल्ट का मास होता है वो लगभग कितना आता है, हाँ कोबाल्ट का मास आपने देखा होगा, अपनी बुक में दे रखा है आपको कि अगर आप देखो यहाँ पे कि जो आपका निकिल है इसका आपका 58.9 है, और निकिल जो है आपका इसका कितना है आपका, वो है आपका 58.7। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें इनके एटॉमिक मास के हिसाब से, तो आपका जो कोबाल्ट है वो बाद में आना चाहिए, निकिल पे आना चाहिए। ध्यान से देखा आपको कि इनके बेसिस पर अगर हम देखें तो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के हिसाब से
कोबाल्ट जो है वो बाद में आना चाहिए क्योंकि उसका एटॉमिक मास ज्यादा है और इसका निकल का कम है, तो ये पहले आना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसने क्लासी तय किया था उनको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करके कि उनके हाइड्राइड कैसे बन रहे हैं, उनके ऑक्साइड कैसे बन रहे हैं, तो उसने उन्हीं के हिसाब से उनको फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको क्लासीफाई किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उसने आउट ऑफ द वे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी अपनी जैसे न्यूलैंड था उसको तो सिर्फ अपने फिट करने था एलिमेंट, तो उसने कहीं दो फिट कर दिए, कहीं आयरन को बहुत दूर कर दिया, उससे कोबाल्ट से बहुत दूर कर दिया, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी ही थी। ठीक है, चौबा से मारी यहां पे। तो ये हो गया आपका क्या अचीवमेंट का पहला पॉइंट। अब अचीवमेंट का दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, अब हम अचीवमेंट का दूसरा पॉइंट करते हैं। यहां पे दूसरा अचीवमेंट जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि एलिमेंट क्या होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे, उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो उसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट उसमें मिले नहीं थे, ही लेफ्ट सम गैप, उसने क्या किया वहां पे कुछ गैप छोड़ दिए फॉर अननोन एलिमेंट, और उसका क्या कहना था कि फ्यूचर में वो एलिमेंट हमें मिलने वाले हैं। ही लेफ्ट सम गैप फॉर द अननोन एलिमेंट एंड नेम्ड देम, जैसे कि उसने क्या नाम दिया यहां पे, ई का एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरीके से उसने कुछ ऐसे एग्जांपल, उसने कुछ वहां पे इस तरीके से ही कुछ वहां पे नाम दिए, जैसे आपका ई का एल्यूमिनियम आ गया, इसको फ्यूचर में नाम के लिए वहां पे गैलियम नहीं, ऐसे कुछ उसने और एग्जांपल भी थे यहां पे कुछ एलिमेंट्स को जो अननोन एलिमेंट्स थे उनको कुछ नाम दिया हाइपोथेटिकली। ई का मतलब बिफोर, यानी कि एल्यूमिनियम पहले है और उसके बाद वाला एलिमेंट, तो उसका नाम दिया वहां पे ई का एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, एग्जांपल से मैं आ गया यहां पे। तो जैसे स्कैंडियम है, गैलियम है और जर्मेनियम है, वो बहुत बाद में मिले थे तो उसने उनको नाम दे रखे थे वहां पे, ई का बोरोन, ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन, इस तरीके से उसने काफी सारे उनको नाम दे रखे थे वहां पे। ठीक है, तो ये इसके दो मेन पॉइंट थे वहां पे। और सबसे अच्छी बात थी कि क्योंकि जो इनर्ट गैसेस थी, तीसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्लेस ऑफ इनर्ट गैसेस,